नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। मैं नारायणा का हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं द्वितीय भाषा हिंदी सेवंथ क्लास सातवीं कक्षा का जो पाठ है सच्चा दोस्त, ये सच्चा दोस्त के माध्यम से जो व्याकरणांश है उसको मैं आपके सामने विश्लेषण करने जा रहा हूँ। व्याकरणांश में आपको अंक और अक्षर, आपको 1 से 25 तक अंक और अक्षर आना अनिवार्य है, आप मेरे ख्याल से सीख लिए होंगे। अब यहाँ पर उन्हीं के माध्यम से कुछ अंक दिए हुए हैं, इन अंकों को अक्षरों में लिखना है। अंक का मतलब है इंग्लिश वर्ड्स, अक्षर का मतलब है हिंदी में उसको लिखना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में अंक दिए हुए हैं, 6 अंक है, 6 अंकों को आप अक्षरों में लिखना है। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसार, मतलब आपको निर्देश किया जाता है, आपको हिंट दिया जाता है कि उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। अब यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न है, निम्न अंकों को अक्षरों में लिखिए। यहाँ पर निम्न मतलब नीचे दिए हुए जो अंक हैं, ये सभी अंक हैं 16, 21, 13, 25, 19, 22, ये अंक हैं। इन अंकों का आप क्या करना है, अक्षरों में लिखना है। अब देखिए 16, 21, 13, 25, 19, 22, यानी आपको 1 से 25 तक अंक और अक्षर आपको कंठस्थ करना अनिवार्य है और आपको ठीक तरह से प्रैक्टिस करना भी जरूरी है बेटे। ओके, अब यहां पर आप देखिए उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसार लिखिए। निर्देश मतलब यहां पर आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसके बाद में निर्देश किया जाएगा। पहला प्रश्न है राजा, राजा का विलोम शब्द क्या है, क्या होता है राजा का विलोम शब्द, रंक है, विलोम का मतलब है अपोजिट, रंक होता है। उसके पश्चात दूसरा है कुर्सी, कुर्सी का बहुवचन लिखना है। अब देखिए कभी भी आपको एकवचन में बड़ी की मात्रा आती है, जब वो बहुवचन में बदलती है तो छोटी की मात्रा हो जाती है, इसको आप ध्यान में रख लेना। कुर्सी बड़ी की मात्रा है, कुर्सियां, उसी प्रकार से लड़की लड़कियां, इस तरह से आता है बेटे। पश्चात यहां पर बूढ़ा, बूढ़े को आप लिंग बदलिए। अब देखिए बूढ़ा ये पुलिंग है, बुढ़िया ये स्त्रीलिंग है। उसके पश्चात समस्या, ये समस्या शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ लिखना है आपको, क्या है समस्या का अर्थ होता है परेशानी। ओके बेटा, ये आपको ठीक तरह से उचित रूप समझ में आ गया होगा। आप फिर भी इसको एक बार आप घर में अभ्यास कीजिए और अच्छा रहेगा और अच्छे अंक लाने के अनुकूल बन सकते हैं। धन्यवाद।